अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंग पाकिस्तान। आज का दिन ये है तो भाई आज प्लान किया है कुंभरी जाएंगे। अभी पेट्रोल पंप पर है, पेट्रोल पंप से उसके बाद हम निकलते हैं सीधा सारा पैसल से फिर जाएंगे अल्लाह का भला करे सीधा चंद्रगढ़। तो मिलते हैं फिर आपसे चंद्रगढ़ से। भाई ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, सारा पैसल पर मौजूद है। बाइक की जो है ना वो फ्यूलिंग सब करवा ली है और आप ऑन द वे हैं। यहाँ से कारसा से पैसा जाएंगे। सीन ये शेर का बहुत में भाई यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे हमारा और आज जो है ना वो प्लान हो ही गया, मतलब ना होते 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 हो ही गया हमारे जो ज़बरदस्ती के प्लान होते हैं। और अभी शेर का पहुँच चुके हैं तो आज जो है ना वो शेर शाह के साथ पहुँचते आसिफ भाई ने ज्वाइन किया हमें। आज ऐसे ही हमारे आसिफ भाई हैं और इनका सेकंड ट्रिप हमारे साथ ही है, तो आगे देखते हैं क्या क्या मजा आने वाला है। जब से ये ट्रिप पे नहीं गया सच बात है, हमने ट्रिप ही नहीं किया। अब आगे चलते हैं। अनिल भाई ने भी आज ज्वाइन किया, ये जो है ये बहुत सीनियर राइडर है हमारे, उन्होंने ज्वाइन किया आज हमें, तो आज ट्रिप हो गया इनकी वजह से। बिग फैन ऑफ मी रोजाना करो ब्लॉग। तो अब चलते हैं, यहाँ से चलेंगे हम हब की तरफ, वहाँ से आगे देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। तो फर्दर मोर अपडेट जो है वो रास्ते में देते हैं आपको और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, इंजॉय करेंगे खूब। और आगे कोई ज्वाइन किया ये और बस चलते हैं फिर खरीदनी है। हाँ भाई सीन ये है कि बाबे बलूचिस्तान और जो है वो बलूचिस्तान में इंटर हो रहे हैं, अब तक पहुँच गए। तो अभी एक साथी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो साथी आ जाए हमारे तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अनिल भाई जो है वो रह गए पीछे, अभी कब तक आएंगे देखते हैं। अभी बलूचिस्तान में इंटर हो गए आज के ट्रिप के हिसाब से जो है ना, बलूचिस्तान में इंटर हो चुके हैं हम और ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। चलें आ गए हमारे अनिल भाई और आ गए ये भाई। सीन ये है, सीन कुछ ऐसा है कि PSO के पंप पे पहुंच गए हैं हब के बाद। ज़्यादातर हमारा मीटअप पॉइंट यही होता है, हम पंप में पहुँच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी सी शॉप है, यहाँ तो अपनी चीज़ें वगैरह सब चीज़ें ले सकते हो वहाँ के खाने पीने के लिए जो भी है। अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा विंदर। मैंने ये सोचा कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा विंदर, विंदर के बाद 0 पॉइंट, देन वॉट वहाँ से हम डन होंगे और बाकी वीडियो जो है वो रास्ते में दिखाते हैं कि रास्ता कितना खूबसूरत है और बहुत मज़ा आने वाला है आज के ट्रिप में। बाकी ट्रिप चल रही है, मिलते हैं विंदर पे। हाँ तो भाइयों सीन को जैसा है कि हम निकल चुके हैं यहाँ से तो और अब जा रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। चंद्रगढ़ तो बेसिकली एक मड वेलकन है, तो मड वेलकन वैसे तो बलूचिस्तान में तीन जगह है, बुर्जी पास पर भी है और मड वेलकन चंद्रगढ़ के साथ भी दो और भी है साथ साथ में है। अब देखना यह है कि हम किस तरह पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से वहाँ पे स्टेयर्स वगैरह बना दी गई है, पहले वहाँ पे कोई स्टेयर्स वगैरह नहीं थी। तो हम चल के आपको स्टेयर्स दिखा दें कि वो स्टेयर्स किस तरह से उन्होंने बनाए हैं और साथ साथ जो है वो और भी इंफॉर्मेशन देते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। तो फाइनली ये है हम 0 पॉइंट पहुँच गए और अब जो है वो 0 पॉइंट पे बॉयज विल बी देयर है ना, उनको तो जरूरी चाहिए बॉयज क्लियर है। और अब जो है हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ भाई व्हाट्स द प्लान, चलो भाई निकलते हैं। और ये 0 पॉइंट के बाद से ये कुंडमलीर का रोड स्टार्ट हो गया और मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँ अबाउट दिस रोड कि अगर आपको ग्वादर की साइड जाना है तो भी आपको यही रूट लेना है। इस रोड पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त से नज़ारे मिलने वाले हैं आगे। अभी हमारा प्लान देखते हैं कहाँ तक होता है क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, घर से ही हम सुबह 11 बजे निकले हैं तो हमारे शायद एक ही जगह हमारा प्लान बने। तो अभी हम चलते हैं इस रोड पे। इस रोड के ऊपर आपको चार चीज़ें मिल जाएंगी, ये चार चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक आपको स्टार्टिंग में अगर आप जाते हो तो चंद्रगढ़ जा सकते हो आप इजीली,
जहाँ हम अभी जाने वाले। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा और भी हिस्टोरी अच्छी वाली चीज जैसे आप ये देखें ग्वादर पश्चिमी उड़मारा कनमली ये सब यहाँ पे किलोमीटर के साथ लिखे हुए हैं। और इस रोड से हम जो है साथ हिमलाज मंदिर भी इस रोड पे पड़ता है। और सबसे पहले हम जाएंगे नगर साहब हिमलाज का हमारा प्लान है। अगर हमारा प्लान हमें टाइम हुआ बात आपसे हिमलाज भी हम कम्प्लीट कर लेंगे आज। और उसकी बात है कुंभलीर कुंभलीर के बाद उमारा फिर पश्चिमी फिर जो है वो जीवनी और उसके बाद जो है वो ग्वादर ग्वादर के जो भी रूट हैं सब यही है। तो ये रूट बहुत ही मतलब मजे का जिसे कहते हैं ना बहुत मजे का रूट है और बहुत ही सीधा और सरल जिसे कहते हैं रोड वो है। अपने आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा रस्ते में रास्ता बहुत लंबा है तो हम इससे ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकते। तो जिन का रीज़न हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने के बाद अब आपको मैं चंद्रगप के मोल को दिखाऊंगा कि चंद्रगप का मोल कहाँ पर है ताकि आपके इजीली एक ये ट्रैवल गाइड बन जाए आपके लिए और आप इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं मेरे गाइड को भी। और बीच में कुछ रुकेंगे ऐसे ऐसे मुकाम पर रुकते वहाँ पर तस्वीरें वगैरह भी खींचेंगे। तो इससे भाई हो गया है सीन स्टार्ट। सीन स्टार्ट कैसे हो गया है कि जो ना एक बाइक का हो गया है हवा कम। तो अब चलते हैं हवा देखते हैं कि हवा का आ जाओ। अभी हो गया एक सीन ये जो है ना वो साले भाई गाड़ी में हो गया है थोड़ा सा सीन। अब ये पंचर है नहीं है ये तो नहीं पता फिलहाल लेकिन जो है ना वो आसिफ भाई बड़ी मेहनत से हवा भर रहे हैं और ये इनके बाजू जो है ना सेट हो जाएंगे घर तक जाते जाते इनको एक्सरसाइज की नहीं बढ़ेगी और डोले शोले इनके बहुत टाइट हो जाएंगे। बाकी अब ये चलेगी फिर देखेंगे कहाँ तक पहुँचती है बाकी आगे दिखाते हैं और बस इनफ और ज़्यादा नहीं दिखानी कहानी नहीं। अब ये हम लोग नहीं भाई मज़ा आ गया। यहाँ पर जो है वो रेत में गाड़ी फंस चुकी है और गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही है पैदल जा रहे हैं लोग और देखें क्या होता है मेरा ये हालत है रेत की। चल जा चल जा। और ये मैंने जो है ना ये इतनी खतरनाक रेत में गाड़ी निकाली है और अब जो है ना सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे ये आई एम ऑलरेडी जरा सा सर्टिफाइड है। और ये थोड़ी सी मिट्टी थी और आगे का जो है ना व्यू क्लियर हो गया है। हाँ ये फाइनली वी आर हियर आई एम एट द चंद्रगो। मजा आ गया। कैसा गिरा लगी तो नहीं कहीं कहीं लगी तो नहीं। चलो खैर हो गई ये भी। हाँ तो भाई फाइनली जो है वो चंद्रगप पहुँच गए और जो है वीडियो मैंने दिखा दी कि हम किस तरह पहुँचें किन मामलात से और किस तरह से पहुँचें। और यहाँ पर वो जो स्टेयर्स का सिलसिला था स्टेयर्स तो बन चुकी है और आज जो है ना टीम एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान आपका दोस्त हैश जो है वो चंद्रगप तक फाइनली पहुँच गए। मतलब पहले भी किया काफ़ी दफ़ा लेकिन स्टेयर्स के बाद आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो अभी ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या है क्या नहीं। वहाँ पर जो है ना वो हेलीकॉप्टर चल रहा है अभी हमारे दोस्त रेडी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसका भी हम सब चीज़ें दिखाएंगे। अभी चलते हैं पहले ऊपर आ जाए।
फाइनली आपको भाई काफ़ी ऊपर तक तो पहुंच गए, थोड़ा सा रह गया लास्ट कुछ स्टेयर्स और बहुत मुश्किल है, इतना ऊपर आना बहुत सांस फूल रही है, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। और वो देखें नज़र आ रही है मेरी बाइक छोटी सी, और ऐसे पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो है वो मेरा थोड़ा सा रह गया बस, आई एम ऑन द टॉप, दो चार स्टेयर्स रह गई और बाकी जो है ना ये अंधेरा हो चुका है, हमें अंधेरे से पहले पहले ये जगह छोड़नी है ताकि हम रोड तक जा सकें और फिर घर तक जा सकें। तो फिलहाल आ गए हम मठ के ऊपर, यहाँ से जो है ना वो मठ किस तरह निकलती है वो मैं देखते हैं चल के, ये सारी जो है ना मठ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये सब मठ है, ये सब जब कहते हैं मठ वाल के ना है जब भी भर के बाहर आती है तो इस तरीके से, लेकिन सारी मठ निकली हुई होती है और बस थोड़ा सा ऊपर रह गया, फिर इंशाल्लाह आपका भाई ऑन टॉप। फाइनली आई एम हियर, ये आपको नज़र आ रहा है ये मठ वाल के ना है, और ये आप देखो कीचड़ भी निकल रही है और मैं कितना टॉप पर हूँ इससे। मज़ा आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ मठ किस तरीके से फूल रही है और इस मठ वाल को क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, ये देखें। हाँ ये देखें ये है मठ और हम बहुत टॉप पर हैं इस वक्त, एकदम मठ वाल ये सारी मठ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा बॉयल जोर जोर से बबुल भी फूट रहे हैं इसके अंदर, तो ये कीचड़ का एक आतिशफिश है, ये फट रहा है स्लो स्लो देखें, और इस वक्त जो है ना इतने टॉप पर आने में बड़ी मेहनत लगी है, बाकी सब साथी तो हिम्मत हार गए थे, वहाँ से कोई आने की कोशिश की है, बाकी ये बहुत टॉप है। फाइनली आई हैव डन, ये सारी कीचड़ है, कीचड़ का ऐसा आतिशबाज है नहीं बोल के नो कहते हैं, अभी देखें आपको नज़र आ रही होगी, ये बबुल खुद खुद फूट रहे हैं अंदर से। सो गाइस इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, और ओरिजिनली यू कैन सी दिस मड, बहुत मज़ा आया, जब आप लोगों के पास टाइम हो ज़रूर जगह विज़िट करो, बहुत खूबसूरत जगह है। और अब अपने दोस्त को इजाज़त दो, हम निकलते हैं वापस क्योंकि अंधेरा हो चुका है, इस पे पहाड़ पर ही हमें नीचे उतरने की बड़ी जो है ना वो हिम्मत नहीं की है, अभी करेंगे इंशाल्लाह, हिम्मत हो रही है उस वक्त इतने टॉप पर। हाँ तो भाई सीन ये हो गया कि चंद्रगढ़ पे हम लोग पहुँचे थे मस्ती मस्ती करने में, अंधेरा हो चुका है, अब ये अंधेरे वाला रोड है, अब आगे कहाँ तक जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइट जहाँ तक जल रही है जो भी दिखाई दे रहा है वो हम बस क्रूज कर रहे हैं और इंशाल्लाह पहुँच ही जाएंगे रोड तक। ओहो, और ये बिल्कुल जो है ना वो अंधेरा हो चुका है, आगे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और हमारा प्लान है हम रोड पे निकलने का, कोशिश ये थी कि दिन दिन में निकल जाएंगे लेकिन जो है वो बस लेट होने की वजह से गलत जगह पर आ गए हम लोग, और ये गलत जगह हो चुकी है, और ये देखें चढ़ने का रास्ता नहीं है, हम मिस हो गए फिर चंदकप के जंगलों में, और ये जो है बड़ी जो है वो टेंशन देने वाली बात है, यहाँ से गाड़ी ऊपर कैसे चढ़ेगी, नहीं चढ़ सकती ऊपर, खैर एनीवे ट्राई करते हैं।